अली भी अपने अजीबोगरीब ख्वाब से परेशान है। उसे दिखता है कि वो कौओं की भाषा में बात कर रहा है और सारे कौवे उसके चारों ओर जमा हो रहे हैं। जागने के बाद अली ने ऐसा करने की कोशिश की, नतीजा हैरान करने वाला था। सपने सिर्फ बुरे ही नहीं होते, कभी कभी सुकून भी देते हैं। जिन अपनों से हम दूर हैं, उनसे मिलवाते हैं। मैं आपको बताऊं, एक बार मैं न्यूयॉर्क में गया हुआ था अपने गर्लफ्रेंड के साथ। वहां पर बढ़िया मौसम अच्छा था, बारिश हो रही थी, बूंदे गिर रही थी, रिमझिम रिमझिम। हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे थे। उसके बाद हम लोग एक 5-स्टार होटल में गए, वहाँ पे डिनर विनर किया और सब कुछ इतना अच्छा था। उस दिन मेरे गर्लफ्रेंड का बर्थडे था, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, बढ़िया म्यूजिक चल रहा था। लेकिन उसी दौरान अचानक से न्यूज़पेपर वाले की आवाज़ आती है, दरवाज़ा खटखटाता है, जोर से आवाज़ लगा पर न्यूज़पेपर। अभी मुझे पता चलता कि मैं सपना होता। सपने ना हो तो जिंदगी नीरस हो जाए। जागती आंखों से हम ईश्वर की रची दुनिया को देखते हैं और सोते हुए वो दुनिया देखते हैं जिसे हमारा दिमाग, हमारा मन और हमारी कल्पनाएं पैदा करते हैं। इनके रहस्य में अजीब सा रोमांच है और यही रोमांच बार बार हमें इनकी ओर खींचता भी है। स्पेशल डेस्क, जीएनएन न्यूज़।